आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार अपने वादे के मुताबिक उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रही है। इसके लिए 5 फरवरी से विशेष सत्र बुलाया गया है। सत्र के दूसरे दिन सदन के पटल पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का विधेयक रखा जाएगा। कांग्रेस में हलचल है, क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता और क्या कह रही है बीजेपी, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। यूसीसी के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष का क्या कहना है आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले जानिए कि उत्तराखंड में लागू हो रहे यूसीसी में क्या क्या प्रावधान होने वाले हैं। यूसीसी में महिलाओं को समान अधिकार दिए जाने का प्रावधान होगा। इसके तहत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समेत किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाली महिलाओं को परिवार और माता पिता की संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। बेटियों की शादी की उम्र 21 साल कर दी जाएगी। यूसीसी के तहत किसी भी पुरुष या महिला को बहुविवाह करने की अनुमति नहीं होगी। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य हो जाएगा। परिवार की बहू और दामाद को भी अपने ऊपर निर्भर बुजुर्गों की देखभाल का जिम्मेदार माना जाएगा। किसी भी धर्म की महिला को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। गोद ली जाने वाली संतानों को भी संपत्ति में बराबर का हक मिलेगा। हलाला इद्दत जैसी प्रथाओं को बंद किया जाएगा और तलाक में महिला पुरुष का अधिकार समान होगा। यूसीसी को लेकर सत्ताधारी दल भाजपा उत्साहित है। पार्टी की घोषणा पूरी हो रही है, लिहाजा भाजपा ने इसे ऐतिहासिक करार दिया है। देखिए, बहुत बड़ा फैसला है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टार्टिंग में ही अपने घोषणा पत्र में सबसे पहले जो प्रायोरिटी में रखा था वो यूसीसी ही था और लगातार हमारी सरकार जो है इस पर कार्य कर रही है। हाईएस्ट लेवल पर जो है कमेटी, एक एक्सपर्ट लीगल का जो गठित हुआ है, उनके माध्यम से ड्राफ्टिंग हुई है और सेकेंड को जो है इसका रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आ जाएगा और आने वाले सत्र में आप जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने वायदा किया था, हम लोग सत्र में इस यूसीसी को लाने वाले हैं और उसके बाद जो है, क्योंकि इसके तमाम ऐसे फायदे हैं और सभी को एक समान अधिकार मिले, सभी को एक समान तरीके से हर जगह पे सम्मान मिले, यही हमारी सरकार का उद्देश्य है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल कांग्रेस ने यूसीसी पर सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि एक देश एक कानून की बात करने वाली भाजपा ये बताए कि क्या हर राज्य का कानून अलग अलग होगा। देखिए, यूसीसी को लेकर के हम बयानबाजी ही सुन रहे हैं। जब यूसीसी का प्रपोजल सदन के पटल पर आएगा या विपक्ष को उपलब्ध होगा, उसी के बाद हम कोई टिप्पणी कर पाएंगे। लेकिन संविधान की जो मूल भावना है उसके अनुसार जो है एक देश एक कानून की बात है। अब सरकार को ये साफ करना चाहिए, भाजपा को, कि क्या वो उससे पलट गई है। अब हर राज्य का अपना सिविल कोड होगा और जो वहाँ के लोगों की चिंताएँ हैं, जो उसके स्टेक होल्डर हैं, SC ST OBC आदिवासी जनजाति, क्या उनसे पूरा सलाह मशवरा हो गया, उनके सुझाव ले लिए, उनकी सहमति इसमें है। और यूसीसी आने के बाद राज्य में क्या क्या बदलेगा, प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, बेटियों की सुरक्षा के समुचित उपाय होंगे, या जो पलायन की समस्या है उसका समाधान होगा, या कानून व्यवस्था पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसमें कितना परिवर्तन होगा, राज्य को इसका कितना लाभ मिलेगा, भू कानून की मांग और मूल निवास की मांग उठ रही है, उसका समाधान भी इस बिल आने के बाद समाप्त होगा या ये मांगे ज्यों की त्यों रहेंगी। तो भविष्य के गर्त में बहुत से सवाल हैं, उनका जब जवाब मिलेगा तब उस पर आगे बात करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड में आखिर है क्या, वो कौन से प्रावधान हैं जिन्हें जगह दी गई है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। जब ड्राफ्ट सरकार के पास आएगा तो कुछ बातें निकल कर सामने आएंगी, लेकिन मोटे तौर पर जो इस खबर में हमने आपको बिंदु बताए हैं वही सब कुछ यूनिफॉर्म सिविल कोड में रखा गया है। अब देखना ये है कि जब ड्राफ्ट की कॉपी सदन के भीतर विपक्ष के हाथ में आएगी तो विपक्ष का क्या रुख रहने वाला है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।